नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसे पढ़ने में एक सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो पूरा दिन लगता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए तो जिंदगी भी कम पड़ जाती है। और विश्वास की ये डोर बंधी होती है हमारी सोच के साथ, हमारी सोच हमारे विश्वास का आईना होती है। आज की अपराध की कहानी विश्वास और सोच के इसी पहलू को दर्शाती है जो हमारे घर हमारे समाज के लिए अति चिंता का विषय है। दादा, तू क्या क्या कर रहा है? मुझे भी आना है। तू कहाँ आ रहा है मेरे पीछे पीछे? घर जा। नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं, तू घर जा, घर जाके आई का ध्यान रख, ठीक है? मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है। आप रुकोगे तो मैं रुकूंगा, अगर आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा चल, ठीक है चल, पर रास्ते में तंग मत करना। दो कम उम्र के बच्चे अपने घर से दूर किसी खास मकसद से निकल पड़े हैं। रास्ते की कठिनाइयां, डर और घबराहट इन्हें रोकने में असमर्थ है। कौन है ये बच्चे, कहां जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है और अपने साथ ये क्या ले जा रहे हैं? देखने में अच्छे घर के ये बच्चे क्यों ये खतरा मोल ले रहे हैं? किस विश्वास और किस सोच की डोर थामे ये इस खतरनाक सफर पर निकल पड़े हैं? ले, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। कोई खाने से नाराज होता है क्या? अगर हरिदास आया और मुझे पूछा तूने खाना खाया क्या, तो मैं क्या बोलूंगी? कोई अपनी बहू को भूखा रखता है क्या? मैं कोई बहू नहीं हूँ तुम्हारी। वही तो कह रही हूँ, बहू बन जा, कर ले हरिदास से शादी और यही रह जा। देख, जिद करके कोई फायदा नहीं है, मेरा बेटा तुझे बहुत खुश रखेगा। खुशी चाहती हो मेरी? खुशी चाहती हो? दे सकोगे मैं जो मांगूंगी? मुझे आजाद कर दो यहाँ से। कुछ पता चला दोनों का? आदमी लगा दिए हैं, मेरे तिल जातिल घुटे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं इस सब के। अरे कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। ज्यादा बात मत कर, समझे तू? इस सब की उतनी ही जिम्मेदार तू भी है। ये आंसुओं के आड़ में छुपने की कोशिश मत करना, अगर तुझसे सब कुछ सही होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। तो जाओ ना उस कमीनी के पास, बड़े मजे आते ना उसके साथ। जी तो मेरे सामने जबान नहीं चलाने का। दादा, हाँ? मैं बहुत थक गया हूँ, क्या हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं? चल यहाँ पे बैठ। क्या बात करनी है? देख तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है, तो अपना घर परिवार संभाल। मेरे को मत सिखा तू, अरे उन्हीं के बारे में बात करनी है।
आज तक तेरी मनमानी की ना वो बहुत हो गई, अब मैं नहीं करने दूंगी। मैं उसके हरिदास के साथ शादी करने वाली है, तू यहाँ से निकल जा। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तू निकल जा यहाँ से। देख, अगर मेरे बच्चे नहीं मिले ना तो सबके सामने जिंदा जला दूंगा मैं तेरी इस बहू को। तू उसे जला देगा और मैं क्या देखती रहूंगी? निकल जा, निकल, निकल जा बस। साहब, दो बच्चे थे, वो मेरा टिफिन चुरा के भागे तो मैं उनके पीछे गया। एक बच्चे ने तो मेरे सर पे पत्थर मारा। साहब, उनके साथ और भी कोई था? कुछ सामान वगैरह? बस एक थैला था जिसमें से बदबू आ रही थी, वो वहां पे पड़ा हुआ था। साहब, अभी सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। पर मैडम, ब्लड सैंपल ले लो और फॉरेंसिक लैब भेजो। क्या उम्र होगी उन दोनों की? साहब, वो दोनों बच्चे करीब 8 से 10 साल के होंगे। दिखने में कैसे थे? कपड़े से तो अच्छे खानदान के दिख रहे थे, वो पढ़े लिखे भी थे। जब उन्होंने टिफिन चुराया ना तो सॉरी बोला। साहब, सर इसको तो पुलिस क्या बन कर। सॉरी। क्या सॉरी? क्या जरूरत थी तुम्हें टिफिन चुराने की? पता है ना, अगर उन्हें पकड़ देते तो कितनी मार पड़ती। दादा, भूख लगी थी इसलिए चुरा लिया। पर मैं नहीं खाऊंगा, तू ही खा ले। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू ही खा ले खाना, मुझे तो नहीं खाना। दादा दादा। हाँ? चलो जी बड़ीनाथ मंदिर, पहले हम हमारा काम करते हैं। चलो। सर, वॉचमैन ने हमें बताया कि बच्चों के हाथ में एक बैग थी। बस एक थैला था जिसमें से बदबू आ रही थी। ऐसा क्या था उस बैग में? कुछ लेके जा रहे थे वो या किसी ने कुछ दिया था उन्हें? मटन या चिकन जिसे वो लिए लिए फिर रहे हैं। सर, वहाँ पर इंसानी गोश्त की बदबू सी आ रही थी। सर, बदबू तो उन्हें भी परेशान करती होगी, फिर वो बैग लेकर क्यों घूम रहे? मुरे, एक काम करो, अपने पुलिस स्टेशन में जितनी भी बच्चों के मिसिंग कंप्लेन है उसे चेक करो, आसपास के पुलिस स्टेशन के भी चेक करो। बच्चे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जहाँ वो लास्ट टाइम दिखे थे उस एरिया में पूछताछ करो, छानबीन करो और अपने बीच को भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। पुलिस को वॉचमैन से मिली जानकारी और मौका वारदात पर मिले सबूत किसी भयानक घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। साहब, वो दोनों बच्चे करीब 8 से 10 साल के होंगे। उनके साथ और भी कोई था? कुछ सामान वगैरह? बस एक थैला था जिसमें से बदबू आ रही थी, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। साहब, सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। आखिर क्या था उनके पास? अच्छे और संस्कारी घर के होने के बावजूद वो क्यों इस तरह से सड़कों पर भटक रहे थे? इतनी तकलीफें उठाने के पीछे आखिर उनका क्या मोह छिपा था? कभी भूख से बेहाल तो कभी प्यास से निठाल, आखिर वो किस मंजिल की तरफ निकल पड़े थे? और दूसरी तरफ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके बारे में कोई मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करवाई गई थी। पिलिया? हाँ। दादा, कब तक पानी पीऊँ? भूख लग रही है। देख सर्वेश, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस के टिकट के भी पैसे नहीं है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो वहाँ तक पहुँचना है। दादा, कुछ तो करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कुछ सोचता हूँ। ये दो बच्चों को कहीं देखा है क्या आपने? देखा है? अरे दादा, मुलायत माजी, इनको देखा है क्या कहीं? सर्वेश, यहाँ आ जा। सुन, इसका ध्यान रखना, कहीं मत जाना, यहीं पर बैठे रहना। देख, मुझे पता है तूने बच्चों को कहाँ और क्यों भेजा है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस मेरी बात मान ले, मेरी बहू बन जा। माजी सोन हो। भैया, गणपति का चंदा देखो ना कितने ने दिया, आप भी दो ना। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। जो खून के सैंपल मिले हैं वो इंसानी खून के ही है। इसका मतलब है किसी मरे हुए इंसान की बदबू। मुझे ऐसा क्या हो सकता है इस बैग में? किसी इंसानी जिस्म का टुकड़ा या? सर, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक बात तो साफ है,
ये मामला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, हो सकता है किसी के खून से जुड़ा हो। एक काम करो, अपने सारे नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह चौकसी बढ़ाओ। ये बच्चे हमें किसी भी हाल में मिलने चाहिए। ओके सर। दादा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सर्वेश कहाँ गया सर्वेश? दादा ए, क्या रहे इसमें? ऐसा लग रहा है झंडा क्या इसमें? कहाँ चला गया था तू? मैंने कहा था ना वहां से मत हिलना। आपने कितनी देर लगा दी थी इसलिए मैं आपको ढूंढने निकल गया था। मैं बहुत डर गया था। चल ठीक है, पर आइंदा से ऐसा मत करना, ठीक है ना? चल। ये आई पानी क्यों ने? पानी की मानी की नहीं हो शादी के लिए? समझाया तो बहुत है, लगता है मान जाएगी। सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा। राजीवरीनाथ जीवरीनाथ जीवरीनाथ हिंगोले 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 जीवरीनाथ ठीक है चला बोला हिंगोले हिंगोले जीवरीनाथ जीवरीनाथ। वो जीवरीनाथ मंदिर का टिकट वो कितने का है? 40 रुपए दे। चला चला हिंगोले हिंगोले हिंगोले। अरे क्या 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 इसमें इतनी गंदी बदबू आ रही है इसमें? कंडक्टर क्या इसमें? अरे इतना बाजार है, उतर उतर नीचे। अंकल पर इसके साथ जाने टिकट भी लिया है। देखो तुम लोगों को जाना है ना तो बैग नीचे फेंको। चलो उतरो नीचे चलो। अंकल चलो, चलो नहीं चलेगा यार। उतरो 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 लेके जाओ। उतरो उतरो अंकल। दादा अब क्या करेंगे? पसंद है और मेरी तो भूख डबल हो जाती है। आई थोड़ा और मिलेगा? अभी ले। पुलिस को मिले खून के सैंपल से ये बात साफ हो गई थी कि बच्चों के पास उस थैली में इंसानी खून है और वो बदबू इंसानी मांस की है। पुलिस चौकन्नी हो गई और बच्चों पर भी खतरा बढ़ने लगा था। पंडारीनाथ और उसका भाई हरिदास खुद बच्चों को ढूंढ रहे थे लेकिन वो पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते थे? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाली, उनको याद करके उन्हें रोने वाली उनकी माँ यशोदा खामोश क्यों थी? इस सब की उतनी ही जिम्मेदार तू भी है, आंसुओं की आड़ में छुपने की कोशिश मत करना। बंद कमरे में बांध कर रखी गई लड़की शीतल कौन थी और रुकमा बाई उसे बार बार शादी के लिए क्यों मना रही थी? पुलिस बच्चों की तलाश में उलझी हुई थी और बच्चे अपने सफर की मुश्किलों में। दादा चलो ना घर चलते हैं, मुझे आई की बहुत ही याद आ रही है। देख हम जो काम करने आए हैं वो काम हम करके ही जाएंगे। कल सुबह हम चलकर मंदिर जाएंगे। पर वो तो बहुत दूर है, हम वहाँ पे कैसे जाएंगे? और ये बदबू बहुत आ रही है।
नमस्कार, हिंगोली पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर विनय मोरे बोलते हैं। साहब मैंने फोन किया था आपको। क्या हुआ था यहाँ? साहब हम लोग सो रहे थे कि कुत्तों की भौंकने की जोरदार आवाज आने लगी साहब, और सब उस थैली पर कुत्ते कूद पड़े थे साहब, और हमने ये थैली दो बच्चों के हाथ में देखी थी साहब। हुलिया कैसा था उनका? साहब देखने में तो अच्छे ही घर के लग रहे थे। पहला करीब 10 साल का होगा साहब, और दूसरा यही कोई 8 साल के लगभग साहब। अरे हुलिया से तो बच्चे वही लग रहे हैं। कहाँ गए वो बच्चे? सब उस दिशा में गए थे साहब। सर बच्चों की रूट को देखा जाए तो ये बच्चे कहीं तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? ये रास्ता हाईवे की तरफ जाता है। सर ये देखिए इसमें कुछ लिखा है, नरसी ग्राम पंचायत हिंगोली। होना हो बच्चे इसी गांव के होंगे। एक काम करो, इनसे रेफरेंस लेके बच्चों के स्केच बनवाओ, और खुद एक टीम लेके इस गांव में जाओ। वहां लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या हाथ लगता है। बैग को फॉरेंसिक के लिए भेजो। ले खाना खा ले, खाना खा ले। बहू बनाना चाहती है ना मुझे, और बहू को यूं हाथ बांधकर खाने खिलाएगी? क्या बोले तू बहू? हरिदास आएगा ना, और ये सुनेगा तो कितना खुश होगा। अभी वो बाहर गया है, अब भी आता होगा। ये ले तेरे हाथ खोल देती हूँ। ये ले खाना खा ले। आई तानिया ने ले पानी। कहाँ गई ये? कहाँ गई? हरिदास, हरिदास, हरिदास शीतल भाग गई। हरिदास, अरे कोई है? शिंदे सर, तुम्हारे पास जो स्केचेस हैं, पूरे गांव में पूछताछ करो कि ये बच्चे रहते कहां पे। सर हो साहब, ये तो अपने साटाओ के लड़के हैं, विजय और ये सुरेश। अच्छा ये साटाओ रहता कहां पे? इधर से दाहिनी तरफ बड़ा बंगला उसका ही है। हो साहब जी, ये दोनों मेरे ही बच्चे, दोनों परसों रात से घर नहीं लौटे साहब। क्या आप बता सकती है कि आपके बच्चों का नेचर कैसा है? मेरा बड़ा बेटा विजय बहुत सयाना लड़का है, अपने छोटे भाई सर्वेश का बहुत ध्यान रखता है, दोनों में बड़ा प्यार है साहब, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आपके बच्चे 2 दिन से गायब है, और आप लोगों ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं करवाई, और आपके पति पंडरीनाथ कहाँ है इस वक्त? साहब वो अपने छोटे भाई हरिदास के साथ दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकले। आपके बच्चों की फोटोग्राफ्स है आपके पास? हो सर। दादा हम जीवरीनाथ मंदिर कब पहुँचेंगे? अभी तो बहुत दूर है सर्वेश, वहाँ जाता ही हमारा काम पूरा हो जाएगा ना। शीतल आंटी ने तो कहा था कि वहाँ पहुँचते ही हमारा काम हो जाएगा। अरे ये खून कैसे लग गया? जरूर उस पुरानी वाली थैली से लग गया होगा। चल सर, बच्चों का एड्रेस कंफर्म हो गया है। बच्चे पास ही के नरसी गांव के, ये रहे उनके फोटोग्राफ। सर बच्चों के बाप का नाम पंडरीनाथ है, और पंडरीनाथ का एक छोटा भाई है हरिदास। पंडरीनाथ की वाइफ यशोदा से हमारी बातचीत हुई, और उसके मुताबिक पंडरीनाथ और हरिदास बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर गए। सर ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे खो गए हैं, इसके बारे में गाँव में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। ये बच्चे भाग क्यों रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब ये हमारे हाथ में आए। एक्सक्यूज़ हेलो ओके ओके सर, पंडरीनाथ घर पर वापस आ गया है। बुलाओ उसे। यस सर।
पंडरीना, तेरे दोनों बच्चे घर से गायब है और तुम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत तक नहीं समझी। जान सकता हूं क्यों? जी वो क्या है कि एकदम खरा बोला है सर, पटकन। जी सर, हमें लगा कि यहीं कहीं होंगे, आसपास वापस आ जाएंगे, लेकिन सर जब वो नहीं लौटे तो हमने सोचा कि आपके पास आने से पहले थोड़ी हम कोशिश कर ले। जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमें मिली है और जो तफ्तीश से पता चला है वो ये कि तुम्हारे बच्चों के पास एक बैग है जिसमें इंसानी खून के निशान मिले हैं, उससे जबरदस्त बदबू आ रही है। जान सकता हूँ क्या है उसमें? मुझे नहीं पता क्या था उसमें। बोलो सच सच बोल। चाहे शपथ संतो साहब, मुझे वाकई नहीं पता उसमें क्या था। तेरा एक भाई है ना हरिदास, कहाँ है वो? सुना है तेरे साथ बच्चों को ढूंढने के लिए वो भी बाहर निकला था। जी वो भी ढूंढने निकला है बाहर, दूसरी तरफ गया होगा वो। फोन लगा उसको। हाँ, फोन लगा उसको। जी जी। The number you have called is currently not reachable. जी सर, फोन नहीं लग रहा उसका, वो आउट ऑफ कवरेज बता रहा है, दूर गया होगा कहीं। तेरी बीबी का फोन खराब है, तेरा फोन नहीं लगता, पर अब तेरा भाई नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। एक बात का ध्यान रखना पंडरीनाथ, कानून से खिलवाड़ करने वाले को कानून अपने नेटवर्क में जरूर ले लेता है। तेरे भाई का फोन लगे या वो घर पर आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर। और कितने लोग रहते हैं तेरे घर में? वो मेरी आई है रखुमा भाई, वो हरिदास के यहाँ रहती है। मेरे भाई का नंबर लिखवा दे। जी। भैया मेरे से और नहीं चला जा रहा। हाँ हाँ, देख चल 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 चल, चल थोड़ा सा और, बस बस बस। हाँ चल, तू यही बैठ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? यही बैठ। वो तो पंडरीनाथ के बच्चों को ढूंढने गया है। उन बच्चों के पास एक बैग है जो हमें मिला है और उसमें से बदबू आ रही है। आप बता सकती हैं उस बैग में क्या है? बच्चे कहाँ गए? मुझे पता नहीं सब उस बैग में क्या है। अब बच्चों को ढूंढने का लिए ना पता नहीं किस हालत में होंगे। पंडरीनाथ और उसके घर वालों का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडरीनाथ और उसके घर वाले हमसे कुछ छुपाना चाहते हैं। इस पंडरीनाथ के छोटे भाई हरिदास को कुछ पता चला? नहीं सर। सर, अभी एक खबर मिली है कि नरसी गांव के पास के जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। बाजूला आसपास का एरिया चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर, बॉडी पे इस आईडी के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के हाथों इसकी मौत हुई हो और बाद में बच्चे फरार हो गए हो? क्या ये भी हो सकता है कि पंडरीनाथ और हरिदास इन दोनों भाइयों की दुश्मनी का ये नतीजा हो? शायद पंडरीनाथ ने इसे मार दिया हो। एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है बच्चों ने हरिदास का खून होते हुए देख लिया इसलिए भाग गए हो। मुझे लगता हो ना हो इस मौत का उन बच्चों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। बहरहाल एक काम करो, अपने जितने नेटवर्क है सबको एक्टिवेट करो, उन्हें कहो कि बच्चे किसी भी हाल में मिलने चाहिए। ओके सर। पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए हर एक इंसान से पूछताछ की और हरिदास की पूरी मालूमात निकाली। हरिदास के बहुत सारे दुश्मन थे पर उसकी एक से बहुत लड़ाई रहती थी, उसका नाम है जीवनदास। पहले बच्चों का किसी खास मकसद से अपने घर से निकल जाना, फिर उनके पास किसी इंसानी खून और मांस की बदबू का मिलना इस केस को संगीन बनाए हुए था। शीतल रुकमाबाई की कैद से फरार हो गई थी,
तो क्या इस कत्ल के पीछे शीतल का हाथ था? क्या शीतल बच्चों के बारे में कुछ जानती थी? इतनी तकलीफों के बावजूद बच्चे जीव हरिनाथ क्यों जाना चाहते थे, वो भी एक इंसानी मांस का टुकड़ा लेकर? सवाल कई थे, लेकिन पुलिस बड़ी सावधानी से इस केस के हर पहलू की जांच कर रही थी। नमस्कार सिरके साहब। जीवन राव काय साहब, गांव में खून होता है, खूनी को पकड़ने के बदले आप इज्जतदार आदमी को स्टेशन बुलाते हो। पिछले दो दिन से तुम कहाँ थे? अरे साहब, मैं तो गांव में था ही नहीं। आप चाहे तो कोनाल अपन विचारूंगा। पर सर, सबसे जरूरी बात, वो हरिदास है ना, उसका एक दुश्मन नहीं था, सर बहुत सारे दुश्मन थे। सर सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका बड़ा भाई था, पंडरीनाथ। कैसे? सर सुना है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। राम राम राम। सर हरिदास एक लड़की को खरीद के लाया, उसी के चक्कर में दोनों भाइयों में महाभारत छिड़ी है। सारे घर की तलाशी लो। क्या हुआ सर? अभी पता लग जाएगा। सर, लड़की को कुछ कपड़े मिले, ये चूड़ियां और ये कान की बाली और ये रस्सी। क्या ये सब? किसके कपड़े हैं ये? मेरी होने वाली बहू शीतल के कपड़े हैं ये। कहाँ शीतल? तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और जिसे तुम बहू बनाने वाली हो वो घर से गायब है। चल क्या रहा है यहाँ? बहू लाने के सपने देख रही और बेटा ही हाथ से निकल गया। हरिदास बड़े अरमानों के साथ उसे लाया था शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उस लड़की के आने की बात बच्चे घर से भाग गए। तुम्हारा बेटा उसे कहाँ से लेके आया था? भूबल गांव से। उस लड़की की तस्वीर है? हाँ है। ले क्या? मुरे, इस लड़की की तस्वीर अपने नेटवर्क में जितने भी खबरी है ना उन तक पहुंचाओ। हरिदास के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए उस लड़की का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके सर। ये तस्वीर। क्या आपको पता था कि आपके पति पंडरीनाथ की उस लड़की शीतल के ऊपर बुरी नजर थी? हाँ साहब, मैं जानती थी, लेकिन शीतल कौन है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ नहीं पता। आप बस मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के चक्कर में पंडरीनाथ ने हरिदास को मारा और बच्चे ये देखकर डर के भाग गए? शिंदे, हाईवे से एक ही रास्ता है जो जीव हरिनाथ मंदिर जाता है, शायद बच्चे वहीं गए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी एक टीम जीव हरिनाथ मंदिर के पास लगवा दो और उनसे कहना जैसे ही बच्चे दिखे उन्हें यहाँ लेकर आना। सर। सर। मत मारो सर। बहुत हो गया, अब सीधे सीधे ये बता क्यों मारा हरिदास को? मैंने नहीं मारा साहब हरिदास को। चल मैं तेरी मुश्किल थोड़ी आसान करता हूँ। शीतल को पाने के चक्कर में तूने हरिदास को मारा, अब ये बता शीतल कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा उसे? हरिदास शीतल से शादी वादी कुछ नहीं करना चाहता था सर, उसने खरीद के लाया था शीतल को, चार दिन मजे करके बाद में भेज देता उसे, लेकिन मेरे बच्चे गायब होने के तुरंत बाद ही शीतल भी गायब हो गई। मुझे लगा कि हरिदास ने उसे कहीं छुपा दिया है और उसे ढूंढने का नाटक कर रहा है। अब जब हरिदास की भी लाश मिली है साहब, तो मतलब साफ है ना उस शीतल ने ही मारा है हरिदास को। बड़ी अच्छी कहानी बना लेता है, तो एक मर चुका है और दूसरा फरार है, इसलिए जो फरार है उसके मथे सारे इल्जाम मार दिए तूने। बता बच्चे क्यों भागे घर से? मुझे नहीं पता साहब, उस शीतल ने कुछ बोल के भड़क गया होगा बच्चों को। भागने से पहले वो शीतल से ही मिले थे साहब, मेरी माँ ने बताया मुझे। ऐसा क्या बोल दिया शीतल ने उन बच्चों को कि माँ बाप घर बार को छोड़कर अकेले निकल लिए? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता, मैंने कई बार उस शीतल से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया साहब। मुझे मेरे बच्चे बच्चे चाहिए साहब, मुझे मेरे बच्चे ढूंढो साहब।
फिर कावड़े बाबा कहाँ मिलेंगे? आ शायद तुम लोग, और इसमें क्या है? सही जगह पे आए हो, अब टेंशन मत लो, मैं हूं ना। बाबा, हमने सुना है कि आप मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। सही सुना है तुमने बाबा, हमारी बहन मर गई है, क्या आप उसको जिंदा कर सकते हो? कर सकता हूँ, पर हर चीज की एक कीमत होती है। क्या तुम दे पाओगे? क्या देना होगा? बलि, बलि। तुम दोनों में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। पैसे 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 नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो क्या फोकट में चल रहा है गाड़ी क्या? ओ हेलो भाऊ, लड़की पैसे नहीं दे रही है। अरे रुक, ओ रुक 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 रुक, क्या पैसा दे, पैसा पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं, नहीं? कहाँ जा रही है, मुफ्त में सवारी करेगी। हेलो सर, जिस लड़की की आपको तलाश थी वो यहाँ है, आप लोग जल्दी आ जाओ। भाऊ पैसे तो दे नहीं रही है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे देगी या नहीं? अरे नीचे कर इसे, पैसे की जरूरत भी नहीं है अब। चल ले, चल ले, चल ले। वो लोग आ गए। दूसरे बच्चे के लिए भी ग्राम ढूंढ लो, जाओ इन्हें बुलाओ। बाबा बाबा ये पैसे हैं। बहुत जल्द तुम्हारी मनोकामना पूरी होने वाली है। बच्चे अपनी मरी हुई बहन की लाश लेकर आए थे, उनका ये विश्वास था कि उनकी मरी हुई बहन को जीव हरिनाथ में दोबारा जीवन मिल सकता है, लेकिन अब बच्चे पाखंडियों के जाल में फंस गए थे, उनकी जिंदगी दांव पर लग गई थी। इस तरफ शीतल पुलिस के हाथ लग गई थी, तो क्या ये केस अब सुलझने वाला था या फिर कुछ और नए सिरे खुलने वाले थे? साहब मेरे पति को बुलाइए, साहब मुझे उनसे बात करनी है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ रहता है तुम्हारा पति? सब बाबुल गांव। अरे ओ मेरी छप्पन छोरी, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, खाना बाहर ही खाएं। लॉन्ग ड्राइव? मैं तुझे लॉन्ग ड्राइव लेके चलता हूँ। साहब बता, तेरी बीबी शीतल हरिदास के पास कैसे पहुंची? साहब बता। हाँ साहब, मैंने ही शीतल को बेचा था हरिदास के हाथों। जब मुझे पता चला कि हरिदास का खून हो गया है तो मैं आप लोगों की तहकीकात की जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन आया जाया करता था। साहब साहब साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, सारी बात खुल के बताओ मुझे, हरिदास को क्यों मारा तुमने? साहब उस दरिंदे को तो मरना ही था, मैं उसके चंगुल से किसी तरह बचकर भाग रही थी और उसने मुझे फिर से पकड़ लिया। साली खरीद कर लाया हूँ मैं तुझे, पूरा वसूल करके रहूंगा, चल कर। मुझे उसे मारने का कोई दुख नहीं है साहब। तो
मारेंगे तुझे भाई। मैंने उसको अपनी मंत्र सिद्धि से भी जिंदा कर दिया। जाओ जी। हरिदास मेरे साथ बहुत गलत करता था। उसने मुझे अपने घर पे कैद करके रखा था। और एक दिन बद्रीनाथ की भी नजर मुझ पे पड़ गई। दोनों भाई मेरे साथ दरिंदगी करते। बस वो दो मासूम बच्चे ही थे जिनसे बात कर कर मेरे मन को बहुत सुकून मिलता। दादा काका कितने गंदे हैं, आंटी को कितना मारा। आंटी मैं आपको मलम लगा दूं? आंटी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। उनसे बात करती तो अपना सारा दर्द भूल जाती। पर एक दिन जाओ आंटी मिठाई खाओ ना। क्या बात है, आज तुम लोग बड़े खुश लग रहे हो। हमारे घर हमारी बहन आने वाली है। हर साल हमारी माँ हमें राखी बांधती है और अब हमारी बहन हमें राखी बांधेगी। जिन बच्चों के बाप और चाचा औरत की इज्जत की धज्जा उड़ा रहे थे, उसी घर के बच्चे एक लड़की के आने पर खुश हो रहे थे। रो मत, मेरे जाने के बाद तू बहन को घर लेके जाना, उसके साथ बहुत खेलना, उसको बहुत खुश रखना और ये चिट्ठी माँ को दे देना, वो सब अपने आप समझ जाएगी। दादा अगर आई ने पूछा कि आप कहाँ पर हो तो कह देना भैया दूर चले गए। अंकल आप मेरे जाने के बाद मेरी बहन और मेरे भाई को घर छोड़ देना। हाँ हाँ तेरे भाई और बहन दोनों को पहुँचा देंगे। अब चलो बाबा बुला रहे हैं। चल। बच्चे भले ही खुश हो रहे थे लेकिन मुझे मालूम था कि पंडरीनाथ को बेटी नहीं चाहिए थी। हरिदास ने मुझे नशे की हालत में बताया था कि पंडरीनाथ ने अपनी बीवी यशोदा का दो बार गर्भपात करवाया था। पिछले साल गांव के क्लीनिक पे छापा पड़ने के कारण वो तीसरी बार नहीं करवा सका और पंडरीनाथ के घर बेटी हुई। आंटी हमारी बहन नहीं आई, हमारी बहन मर गई। आपकी बहन मरी नहीं है तो? आपकी बहन को मारा गया है। किसने मारा हमारी बहन को? आपके पापा ने आपकी बहन को मार दिया और उसे दफना दिया। रो मत, बिल्कुल मत रो। आप लोग ना एक काम करो, मेरे ना ये हाथ खोल दो, मेरी ऐसे भागने में मदद करो। मैं फिर आपकी बहन को लेकर जाऊंगी और उसे जिंदा करके वापस लेके आऊंगी आपके पास। पर कैसे आंटी? बेटा जी हरिनाथ नाम का एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर है, वहां पर ना मरे हुओं को जिंदा किया जा सकता है। वहां पर एक कावड़े बाबा है, वो ये सब करते। आप लोग जल्दी से मेरा ये हाथ खोलो। अरे देवा बिसर ले अत्ता आंटी। अरे और शायद अपनी मरी हुई बहन को जिंदा करने के लिए वो जीवरी नाथ के मंदिर गए होंगे। ये कौड़िया बाबा क्या चक्कर? साहब मैंने ऐसे ही एक बार अपने गांव में कौड़िया बाबा का नाम सुना था। वो मुर्दों को जिंदा करता था, लोगों की बलि चढ़ाता था। सब मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस वहां से निकलने के लिए ही बहाना बनाया था। तुम्हारे ये बहाना उन बच्चों की मौत का कारण भी बन सकता है। अरे बच्चों की जान खतरे में, हमें फौरन वहां जाना होगा। हेलो, मैंने यहाँ पता किया है, बाबा मंदिर में नहीं अपनी कुटिया में मिलेंगे। सर सर हमें बेटा चाहिए था,
और कवड़िया बाबा ने कहा था कि अगर किसी ने अपनी मर्जी से बलि दी तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी। सब मेरी सिद्धि में आगे बढ़ने के लिए बलि देना जरूरी होता है सब। एक तरफ ये पैसा, दूसरी तरफ मेरी सिद्धि की संपूर्णता। सब मैं भी चाहती थी कि मुझे बेटी हो, लेकिन वो नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन मुझे इस बार भी उनका साथ देना पड़ा। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी साहब, इसलिए मार दिया बच्ची को। अरे तेरी सोच से ज्यादा ऊंची तेरे बच्चों की सोच है। तूने जीती जागती बच्ची को मार कर उसे गाड़ दिया, और तेरे बच्चों ने उस गड़ी हुई लाश को निकाला और लेकर निकल गए ताकि उसे जिंदा कर सके, और उसे जिंदा करने के लिए अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार हो गए। लानत है तुम पे। आज भी हमारे समाज में औरतों को खरीदा और बेचा जाता है। कभी उन्हें माँ की कोख में तो कभी माँ की गोद में मार दिया जाता है, और मर्दानगी का दावा करने वाले ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी एक औरत की कोख से ही जन्म लिया है। औरत मर्द के खिलाफ ना जाए, उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, चुपचाप घर बसा ले, बेटे पैदा करती रहे, इसी सोच ने खुद औरत को औरत का दुश्मन बना दिया। वहीं यशोदा की सोच ने विजय और सर्वेश के दिलों में अपनी बहन के लिए ऐसा प्यार भर दिया कि वो अपने तरीके से अपनी मरी हुई बहन को जिंदगी देने के लिए निकल पड़े थे। सकारात्मक सोच और विश्वास से ही हम अपने समाज को नई दिशा दे सकते हैं, औरतों और मर्दों को बराबरी पर ला सकते हैं, क्योंकि सोच और विश्वास ही है जो रिश्तों को जोड़े रखते हैं। फिर वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, बहन और भाई का रिश्ता हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद।